अच्छा ये पापड़ टेस्ट करके बता कैसा है? टेस्ट मैंने ऑलरेडी 3 खा लिए, तू बस ये बता कहाँ से लाई, मतलब कौन सा ब्रांड? कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है, घर पे बनाया था। क्या? इसे तो तुम्हें मार्केट में बेचना चाहिए। What are you doing? अरे पर उसके लिए तो गवर्नमेंट से कुछ अफसोस लेना पड़ता है ना। अफसोस नहीं, FSSAI सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हाँ हाँ वही, ये है क्या और कैसे मिलता है? ये सब जानने के लिए तू बस ये वीडियो एंड तक देख, गॉट इट? चल। तो दोस्तों FSSAI का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और ये लाइसेंस आपको कोई भी फूड आइटम बेचने की परमिशन देता है, चाहे आपका होटल हो या सर्दियों में गर्म मोमोज और सूप का स्टॉल। FSSAI लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ये लाइसेंस घर बैठे आपके पास कैसे आएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है और स्क्रॉल करके ये ऑरेंज बॉक्स जिसमें अप्लाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लिखा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर आप अपनी शॉप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शंस हैं और बाकी जगह के लिए अलग ऑप्शन। इसके बाद आपको अपना स्टेट और नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो या रिटेलर हो, और किस तरह का सामान जैसे मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हो, ये सब सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आप कौन से लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो। आपको कुछ नहीं करना, बस क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ भर सकते हो। इसमें आपसे आपके और आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्स ली जाएंगी, जैसे आपके बिजनेस का नाम और एड्रेस। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर एक मैप आएगा जिसके जरिए आपको अपने बिजनेस की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन विंडो ओपन होगी जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बस इसमें भी पहले की तरह ही डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइन अप डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले अपना नाम, फिर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके साथ ही आपको बिलोंग्स टू के सेक्शन में ये फिल करना होगा कि जो डिटेल्स जैसे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने दिया वो आपका है या किसी और का। और साथ ही में एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। लॉगिन आईडी आपको पहले से यहाँ पे नजर आएगी, आपको केवल एक पासवर्ड सेट करना है। ध्यान रहे कि लॉगिन आईडी क्रिएट करते वक्त जो पासवर्ड आप सेट करें वो आपको याद रहे। आप चाहो तो इसे किसी सुरक्षित जगह पर लिख भी सकते हो। पासवर्ड भर के आपको एक ऐसा कोड जिसे कैप्चर कोड कहते हैं टाइप करना है। जैसे शब्द कैप्चर कोड में लिखे गए हैं आपको वैसे ही टाइप कर देने हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आपको बड़े ध्यान से फिल करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर लॉगिन आईडी आएगी जिसे आप एक सुरक्षित जगह पर नोट कर सकते हो और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कम्युनिकेशन डिटेल्स का है जिसमें आपको फिर से अपना नाम, ईमेल एड्रेस और सबसे जरूरी आपको कितने सालों के लिए ये लाइसेंस चाहिए सब बताना होगा। इसमें आपको एक और पर्सन की डिटेल्स डालनी होगी जो आपके ऑपरेशंस या रोज का कारोबार संभालता हो। अगर आपके पास ऐसा कोई एम्प्लॉई या वर्कर नहीं है तो आप इसमें अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हो। इसमें आपको नेम, सामान्य कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ ही एक फोटो आईडी कार्ड का नाम और उसका नंबर भी डालना होगा। पेज के लास्ट में आपको कितने सालों के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए इसको मेंशन करना होगा। FSSAI सर्टिफिकेट आपको 1 से 5 साल तक के लिए ही मिल सकता है, तो आप अपने अनुसार इसको चुन सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह। और अगर आपके बिजनेस को म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन चाहिए तो आपको एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए आप UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो। पे करते ही आपके पास पेमेंट रिसीट आ जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आपका एप्लीकेशन रिव्यू होने के लिए जा चुका है और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको ईमेल पर लाइसेंस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप चाहो तो वापस उसी साइट में जाके अपनी लॉगिन डिटेल्स यूज करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी पता कर सकते हो। वाह भाई, ये तो कितना सिंपल प्रोसेस था। बस अब ये बता दे कि बिजनेस शुरू करने के बाद वो उधार मांगने वाले कस्टमर्स उनको कैसे संभाले। अगर उधार मांगने वाले कस्टमर से निपटना है तो इस पे क्लिक कर। वाह भाई, तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस से जुड़ी हर समस्या का समाधान तुझे खाता बुक पर ही मिलेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। नमस्कार।